थोड़ा ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? मैं हमेशा ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जरूर 1-2 मिनट बात करती हूँ कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, एक सिंपल सी चीज है, आप किसी को कोई चीज बताने जाते हो तो सामने वाला कंपनी से प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, सामने वाला आपसे प्रोडक्ट ले रहा है, सामने वाला आपका कॉन्फिडेंस देकर आपसे प्रोडक्ट ले रहा है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप कहीं पे एक टीवी खरीदने जाते हो, एक पर्सन है वो बोलता है सर ये टीवी बहुत अच्छा आप ले लो, आप शायद कन्विंस नहीं होगे। लेकिन अगर एक दूसरा पर्सन आपको आके बता रहा है कि इसमें ये भी फीचर है, इसमें आप ये स्मार्ट टीवी है, आप इसमें ये कर सकते हैं, आप इसमें प्रेजेंटेशन कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको अगर 10 फीचर उसके बारे में बताएगा तो आप ज्यादा कन्विंस होंगे उस चीज को यूज करने के लिए। यही हमारे ऊपर, यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम यही आपको बताते हैं हमारे प्रोडक्ट्स पे क्या क्या की फीचर्स है जो आप लोगों को बता सकते हो, हमारे प्रोडक्ट मार्केट से कैसे बेहतर है, इस सारे प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना मुझे लगता है हमारे बिजनेस को बहुत गुना बढ़ाने में मदद करता है। बात करें, हमारी कंपनी इंडिया की फर्स्ट ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है। माय फ्रेंड, अगर एक सिंपल सी चीज बात करें, आज इंडिया की जो एमआई लाइफस्टाइल एक ऐसी कंपनी है जिसका अपना एक एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी मानता है कि जब हम लर्न करते हैं तो ही लाइफ में पैसा आता है। 25-30 साल स्टडीज करते हैं, अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, लाखों रुपए अपने स्टडीज पे खर्च करते हैं तो जाके मार्केट में 25-50 हजार की जॉब मिलती है। एमआई लाइफस्टाइल में 2-10,000 कमाना है तो सीखना पड़ेगा। इसीलिए हमारी हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, पहले हम अपने आपको ट्रेनिंग दिया करते थे, जब हमारा ये लॉकडाउन का फेज आया तो हमने आपसे जुड़ने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक रिसोर्स यूज किया, जहां पे हम आपको ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बात करें, यूट्यूब का चैनल भी है जिसके बारे में मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स इस चैनल के थ्रू आपको मिलेंगे। आगे बात करें, हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसके पास बहुत ही लीडिंग और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के ब्रांड्स के प्रोडक्ट है। बात करें हमारे पास कौन से ब्रांड्स, सबसे पहला ब्रांड है जिसका नाम है एलिवेंस वेलनेस, दूसरा है ऑन एंड ऑन, तीसरा है आहार, चौथा है न्यू स्टार एंड पांचवा है एमआई होम। ये 5-6 ब्रांड्स के साथ हम वर्क कर रहे हैं और जो 6th ब्रांड है वो हमारा एग्रीकल्चर का ब्रांड है। हमने एलिमेंट्स में अभी तक हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे, हमने इसमें इम्यूनो 3 प्लस देखा, हमने इसमें आयुष्वास देखा, और अगर बात करें हमारा ऑन एंड ऑन में हमने अभी तक 95 देखा है, हमने इसमें स्टीरना गोल्ड देखा है और एक डाइगोलाइट देखा है। आज हम अपने एलिमेंट्स का एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और एलिमेंट्स का एक प्रोडक्ट जिसके बारे में हम आपको बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे, 5 स्ट्रेस के ऊपर आज हम बात करेंगे। अब मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हमेशा ट्रेनिंग में हमने एक क्वेश्चन पूछा है कि आज हमारे जो जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे उनकी जो एज थी ना वो बहुत अच्छी होती थी, उनको जल्दी कोई बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन आज देखा जाता है 30-40 साल के बाद ही बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मैं हमेशा कहती हूँ आपको कोई छोटी बीमारी, सर्दी खांसी से लेकर बड़ा कैंसर तक का होने का कारण कहीं ना कहीं देखा जाता है, जब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो कमजोर होने लगती है तो जाकर हमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है। लेकिन बात करें ये होता कैसे है, हमारी बॉडी में जब भी हम सांस लेते हैं, किसी चीज को छूते हैं, कुछ खाते हैं, हर वक्त बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी में हर सेकेंड अटैक करते हैं। लेकिन अगर बात करें, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग के ड्यूरिंग लेती हूँ, एक डेड बॉडी है उस पर वही हवा जा रही है, डेड बॉडी 2 दिन में खराब हो जा रही है, लेकिन वही हवा आपके ऊपर आ रहा है आपको कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आपके बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो 24/7, एक ऐसा डॉक्टर है जो 24/7 आपकी बॉडी में काम कर रहा है, आपकी स्किन आपको 24 घंटे प्रोटेक्ट कर रही है। अगर बात करें आपके जो आंखों में जब कुछ जाता है तो आंसू आ जाते हैं, उस कचरे को बाहर निकालने के लिए आपके बॉडी में चीजें जाने की 3 रास्ते हैं, मैंने हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बताया, एक आपकी आंख हो जाती है, एक आपका मुंह और एक आपकी नाक हो जाती है जब हम सांस लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में जाती है, तो हमारा जो बॉडी है हर वक्त हर सेकेंड बीमारियों से लड़ता रहता है। लेकिन जब हम अपने सिस्टम को वीक करते हैं, कौन सी चीजें इसको वीक करती है, सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस। मैं हमेशा से ट्रेनिंग में स्ट्रेस के ऊपर बोलती थी कि स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। आज हम स्ट्रेस के ऊपर एक स्पेशली प्रोडक्ट ही लेकर आए हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्ट्रेस क्या देखा जाता है आपको पता है, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन आ चुका है, एक इमरजेंसी आ चुकी है। और बॉडी में जब हम ये स्ट्रेस ज्यादा दिनों तक रहता है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है। क्या क्या होगा हम डिटेल में आज स्ट्रेस पे बात करेंगे। दूसरा जो कारण देखा जाता है वो होता है मार्केट का खाना।
जब बहुत सारी चीजें हम ज्यादा जंक फूड वगैरह खाने लगते हैं तो इसकी वजह से भी बहुत सारी लोगों में बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। आज बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है ये जो जंक फूड और प्रोसेस फूड जो मार्केट में मिलता है। दवाइयों के रिएक्शन की वजह से हम बहुत सारे ऐसे मेडिसिन को खाते हैं, बहुत फीवर हुआ नहीं कि कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, मार्केट से ऐसी मेडिसिन लाकर वो पॉप अप करते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो बहुत बड़ा कारण है ऐसी दवाइयां जो हम लंबे समय तक खाते हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है, जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं आगे चल के लिवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जो लोग ज्यादा स्मोक करते हैं आगे चल के उनको लंग्स के कैंसर होने के या लंग्स की प्रॉब्लम होने के प्रॉब्लम देखा जाता है। तो मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बहुत सारी बीमारियां लेकर आती हैं हमारे शरीर में। पोल्यूटेड एनवायरमेंट आज का बहुत बड़ा कारण है। पोल्यूटेड एनवायरमेंट जो हम सांस लेते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जाती है। इसके ऊपर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पे लास्ट सेशन में बात किया था, आयुश्वास, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस पे वो प्रोडक्ट हमारा काम करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इनएडिक्वेट स्लीप, हमें सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है जब हम अच्छी नींद नहीं लेते, जब हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं, बॉडी खुद को रिपेयर नहीं कर पाता है, और जब बॉडी खुद को रिपेयर नहीं करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। बात करें, आप ज्यादा एक्टिव नहीं है, थोड़ा एक्टिव रहना भी जरूरी है, थोड़ा एक्सरसाइज करना जरूरी है, थोड़ा योगा वगैरह हम करते हैं, हम जब एक्टिव रहते हैं तो बहुत सारी चीजों में वो भी हेल्प करता है, और जब हम एक्टिव नहीं रहते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। आप ज्यादा पानी नहीं पी रहे, देखिए पानी पीना बहुत जरूरी चीज है। हमेशा हमने सुना है कि जब हम पानी नहीं पीते हैं तो जो टॉक्सिक चीजें हैं वो हमारे शरीर में जमने लगता है, और जो हम पानी पीते हैं तो वो टॉक्सिन्स जो होता है, जो खराब चीजें होती हैं, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का, फ्लश आउट करने का काम करता है। लेकिन कुछ लोग उसको ज्यादा सीरियसली लेते हैं, 10-10 लीटर पानी पीते हैं। पानी पीजिए लेकिन लिमिट में पीजिए, इतना भी पानी नहीं पीना है कि किडनी को एक्स्ट्रा ओवरलोड करने की जरूरत पड़ रही है। तो पानी भी पीना है तो हमें लिमिट में पीना है। आगे बात करें, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक हमारे खाने पे छिड़के जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता। हम सब्जियों को लाते हैं घर में, एक बार पानी से वॉश कर लिया और हमें लगता है कि सारे उसके कीटनाशक चले जाते हैं। ये बहुत सारे जब कीटनाशक हमारे बॉडी में जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां लेकर जाते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा कीटनाशक पंजाब जैसे कुछ स्टेट्स में हो रहा है, वहां से एक स्पेशल ट्रेन जाती है राजस्थान जिसमें बस कैंसर के पेशेंट्स ही भर कर जाते हैं। और बोला गया है कि सबसे बड़ा कारण देखा जाता है ये कीटनाशक, ये जो पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं उसकी वजह से देखा जाता है। आगे बात करें मोबाइल का रेडिएशन, मोबाइल के रेडिएशन की अगर बात करें तो मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारी बॉडी में भी बीमारियां लेकर आता है। आपको पता है क्यों? मोबाइल के रेडिएशन में हम 24 घंटे रहते हैं। बहुत सारा मोबाइल का रेडिएशन जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ रात में सोने के टाइम पे प्लीज मोबाइल फोन को या तो स्विच ऑफ करके रखिए या तो रूम से बाहर रखिए। जिस एरिया में सो रहे हैं वो रेडिएशन फ्री होना चाहिए। कम से कम 6 से 7-8 घंटे बॉडी को रेडिएशन फ्री एरिया में जरूर रखिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। कारण बहुत सारे हैं। कहते हैं हमारे घरों में जो बर्तन यूज करते हैं उसकी वजह से भी बीमारियां होती हैं। कौन से बर्तन? सबके घरों में एल्युमिनियम के बर्तन यूज होते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसीलिए अगर बात करें, कारण तो बहुत सारे हैं, हम सबके ऊपर बात नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? अगर बात करें हम स्ट्रेस के ऊपर, तो हम कुछ ऐसी चीजों को अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं, एक ऐसी चीज को फॉलो कर सकते हैं जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। इसीलिए हमारी कंपनी ने सोचा क्यों ना इंडिया का जो सबसे पुराना शास्त्र है, जो सबसे एंशियंट अगर बात करूं, जो हमारा साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसको हम सब जानते हैं आयुर्वेद, क्यों ना आयुर्वेद को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर कुछ एक नया ब्रांड हम लाए। और एक बहुत ही इफेक्टिव ब्रांड हमारी कंपनी लेकर आई है और जिसके बारे में अभी आपको मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। उस ब्रांड का नाम हमने रखा है एलिमेंट्स वेलनेस। एलिमेंट्स वेलनेस का ये जो लोगो आप देखते हैं ना माय डियर फ्रेंड, ये लोगो भी जो है इसका जो प्राइमरी डिजाइन है वो ऑस्ट्रेलिया में डिजाइन किया गया। ये लोगो भी जो है वो आपको 5 तत्वों को बताता है। इसीलिए अगर बात करें, एक ऐसा ब्रांड है जिसमें हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी हमने ऑलरेडी उसके 2 प्रोडक्ट लिए, आज हमारा ये 3rd प्रोडक्ट उसका है, और अभी हम और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स एलिमेंट्स के लेकर आने वाले हैं। बात करें एलिमेंट्स वेलनेस की, तो एक पर्सन के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका नाम है डॉक्टर DBA अनंत नारायण सिंह। इनके बारे में बात करें तो ये हमारी कंपनी के, आप कह सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके जनक हैं। सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये इनके ही फॉर्मुलेशन है, इनके ही हेल्प से ये सारे फॉर्म जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिजाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं।
नारायण सर की बात करें तो ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 45 इयर्स इन आयुर्वेदा एंड फार्मा। ही इज एन एक्सपर्ट, ये बहुत बड़े एक्सपर्ट है आयुर्वेदा एंड फार्मा के। ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट और डाबर हिंदुस्तान लिवर में, हिंदुस्तान लिवर में एज ए डायरेक्टर की पोस्ट पे इन्होंने रहकर काम किया है। रेडबैक्सी में इन्होंने काम किया है, बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिले हैं। और बात करें बहुत सारे बुक्स भी इन्होंने लिखे, ये एक रिनाउंड ट्रेनर भी हैं, एडवाइजर भी हैं, एक्सपर्ट मेंबर इन गवर्नमेंट कमिटीज भी रह चुके हैं। और सबसे अच्छी बात है माइंड फ्रेंड, जो एपीआई, हमेशा मैं अपनी ट्रेनिंग में एक एपीआई के बारे में जिक्र करती हूँ, जिसको हम कहते हैं आयुर्वेदा फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, उसके भी कमिटी मेंबर रहकर इन्होंने वर्क किया है। तो अगर बात करें ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी आज हमारे प्रोडक्ट्स के साथ अगर जुड़ी है तो हम बहुत लकी फील करते हैं माइंड फ्रेंड। सीरियसली वी आर वेरी लकी कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स को डॉक्टर नारायण सर बनाते हैं। बात करें हमारे इस ब्रांड के बारे में, एक और बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बात करें इस 5 दिनों में लगभग 84,000 लोगों ने हमारी ट्रेनिंग्स को अटेंड किया है। आप समझ सकते हैं 84,000 में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो पहली बार हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। तो इसलिए ये पॉइंट को मैं हमेशा लेती हूँ, वो क्या है, इकोनॉमिक टाइम्स जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, उन्होंने बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का अवार्ड एलिमेंट्स वेलनेस को दिया है। अब अगर बात करें इसमें दो पॉइंट आप याद रख सकते हैं। सबसे पहला, आज तक कभी भी किसी डायरेक्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ये अवार्ड नहीं मिला है, पहली बार किसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अवार्ड मिला है। दूसरी चीज, आज तक जब भी किसी को ये अवार्ड मिला है उन सारी कंपनीज को मार्केट में 15 साल, 20 साल, 30 साल होने के बाद मिला है। उनके हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ब्रांड को 4 से 5 सालों में ही अवार्ड मिला है, जो खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है माय डियर फ्रेंड। ये सारी चीजें शो करती हैं कि हमारा जो ब्रांड है वो नंबर वन ब्रांड बन चुका है। और माय डियर फ्रेंड, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। आपको पता है ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए MILSL की मैनेजमेंट, हार्वेस्ट की मैनेजमेंट, जिसके पीछे हमारे बहुत सारे सीनियर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी ट्रेनिंग्स को बहुत ध्यान से सुनते हैं ताकि आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा सके। बात करें एक छोटा सा वीडियो है 30 सेकंड्स का, ये वीडियो मैं आपको शो करूंगी, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा वीडियो है जब हमें ये अवार्ड को प्रेजेंट किया जा रहा है। Very, very congratulations to the team. Mother, thank you for joining us. तो माय फ्रेंड, ये हमारा जो ब्रांड है वो आयुर्वेद पे बेस्ड है और आयुर्वेद को हम कहते हैं द साइंस ऑफ लाइफ। आपको पता है पुराने जमाने में लोग आयुर्वेदा को ही फॉलो करते थे और वो बहुत अच्छी जिंदगी, बहुत अच्छी लाइफ जीते थे। तो आयुर्वेद को हमने क्यों चूज किया, क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसा साइंस है, एक मेडिकल साइंस है जो इतने सालों से वेलनेस पे ही काम कर रहा है। बात करें अगर आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, जिसको हम कहते हैं आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। इन 5 तत्वों को मिलाकर हमारा शरीर बना है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, ये लाइन हमने बहुत बार सुनी है। कहते हैं हमारी जो 5 उंगलियां हैं वो भी 5 तत्वों को बताती हैं। ये 5 जो एलिमेंट्स हैं, ये 5 जो महाभूत हैं, वो हमारी बॉडी में 3 दोष उनको मिलकर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं वात, पित्त, कफ। ये तीनों जो बैलेंस, ये जो तीनों दोष है वो अगर बैलेंस होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे बोलते हैं जब बच्चा 15 साल तक का होता है उसकी बॉडी में कफ ज्यादा होता है, उस टाइम पे बच्चे को आपने देखा होगा सर्दी खांसी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। 15 से 60 साल के बीच में हमारी बॉडी में पित्त की जो प्रवृत्ति होती है, पित्त जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और 15 से लेकर 60 साल के बीच में पित्त से रिलेटेड, एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, और 60 इयर्स के बाद हमारी बॉडी में वात का जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। इसलिए 60 इयर्स के बाद आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो वात, जो संधिवात की प्रॉब्लम है, वो 60 इयर्स के बाद नॉर्मली देखी जाती है। इसीलिए कहते हैं हर एक एज में अगर ये तीनों दोषाज है वो बैलेंस है तो प्रॉब्लम नहीं है, जब इनका बैलेंस खराब होता है तो जाकर हमें बीमारियां होती हैं। इसीलिए अगर बात करें, हमारी कंपनी ने इसमें बहुत बड़ा रेंज लेकर आई है, लेकिन आज हम एक स्पेशल प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है फाइट स्ट्रेस।
आपको बताया हमने इस प्रोडक्ट को इस ड्यूरेशन में, इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में क्यों चूज किया, क्योंकि आज बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। एक तो लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोगों की जॉब में प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे घर में सिचुएशन ऐसी है जो लोग स्ट्रेस महसूस करते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हमने इसका नाम PHYT रखा है, हमने इसका नाम FIGHT नहीं रखा है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? कहते हैं जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनको हम मेडिकल में जो बोटानिकल नेम होता है, जो मेडिकल भाषा में उसको फाइटो कहते हैं, PHYTO, फाइटो जो होता है उसको हम प्लांट्स कहते हैं। इसीलिए हमने इसका नाम फाइट PHYT लिया है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो प्लांट से निकाला गया है, इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट और आपके स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है, इसलिए इसका नाम हमने फाइट स्ट्रेस रखा है। लेकिन अगर स्ट्रेस की बात होती है, स्ट्रेस होता क्या है? कहते हैं स्ट्रेस हमारी बॉडी का एक रिएक्शन होता है, किसी भी चीज का जब हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल तरीके से हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं, हम उसको स्ट्रेस कहते हैं। बोलते हैं आज इंडिया में 60% 60% लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसका कहीं ना कहीं जो कारण है वो स्ट्रेस देखा जाता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। कुछ लोग डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मुझे रात में नींद नहीं आ रही, मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ। कुछ लोग जाते हैं, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे ये बीमारी है। कहते हैं स्ट्रेस की वजह से बॉडी में बीमारियां भी बहुत सारी होना स्टार्ट हो जाती है। अगर देखिए स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हम उसको हटा नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, लेकिन यही जब स्ट्रेस ज्यादा लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहने लगता है, किसी चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा अंदर से डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो आगे चलकर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम को वो लेकर आता है। क्या क्या कारण है स्ट्रेस के? सबसे बड़ा रीजन देखा जाता है मनी। मनी के ऊपर एक बात बोली जाती है, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है बट हर एक चीज पाने के लिए पैसे की जरूरत है। कहते हैं 90% लोगों का जो स्ट्रेस का कारण है ना, वो कहीं ना कहीं तनाव जो है, तनाव का कारण वो पैसा ही देखा जाता है। कर्जे में है, बहुत ज्यादा डेब्ट है, बिल्स बहुत ज्यादा भरने हैं, बच्चों की फीस है, उतनी सैलरी नहीं है। आज मनी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो लोगों में स्ट्रेस लेकर आता है। बहुत सारे लोगों को आज हेल्थ की भी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को आपने ऐसा भी देखा होगा, पैसा तो बहुत है लेकिन उनके पास हेल्थ नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज है या कोई बड़ी बीमारी हो गई है, ट्रीटमेंट चल रही है। तो लोगों का कहना होता है कि पैसे ले लो लेकिन मुझे ठीक कर दो। आपने सुना होगा डॉक्टर पैसे का टेंशन मत लो, पैसे ले लो लेकिन मुझे ठीक कर दो, क्योंकि अगर अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो पैसा रखकर भी कोई मतलब नहीं है। तो हेल्थ एक बहुत बड़ा रीजन है बहुत सारे लोगों में स्ट्रेस होने का। बहुत सारे कारण देखे जाते हैं, रिलेशनशिप भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज आपने देखा होगा डिवोर्स के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में एक अच्छा रिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग डिप्रेस है, स्ट्रेस हो जाता है। इस कारण से भी बहुत ज्यादा आज स्ट्रेस की प्रॉब्लम आज लोगों में देखी जा रही है। स्लीप डिप्रिवेशन, मतलब आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पा रही है। अब क्या होता है, जब दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो रात भर लोगों को नींद नहीं आती है, और जब नींद नहीं आती है तो स्ट्रेस लेवल भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए अगर बात करें, हमारी कंपनी ने इसमें भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसके बारे में आपको मैं लास्ट में बताऊंगी, थोड़ा सा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगी कि फाइट स्ट्रेस के साथ अगर आप वो भी लेते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो नींद पूरी नहीं होती है, ये भी एक कारण देखा जाता है। आपको बताया आज एक बहुत बड़ा कारण पेरेंटिंग को भी देखा जाता है, मतलब आज खासकर वो लेडीज जो वर्किंग है और खासकर अभी इस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम भी कर रही है, घर का भी काम करना है, बाहर का भी काम करना है, ऑफिस का भी काम करना है, बच्चों को भी संभालना है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेकर आज हमारी लाइफ में लेकर आती है। और एक और भी कारण देखा जाता है जिसको हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, मैं काला दिखता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अपने से ही खुश नहीं है। आपको पता है ये आगे चलकर सेल्फ हेट में कन्वर्ट हो जाता है, लोग अपने से ही नफरत करने लगते हैं, और जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेशन के रूप में भी आगे कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं, कारण तो बहुत सारे हैं, जॉब भी एक बहुत बड़ा कारण देखा जाता है। कुछ लोगों की जॉब बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है, काम ज्यादा कर रहे हैं, उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो भी एक स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। तो कारण तो बहुत सारे हैं स्ट्रेस के, और ये हमारी डे टू डे लाइफ का एक, इसको हम रोक नहीं सकते। हम पैसे की प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी, बहुत सारी चीजें हमेशा रहती है, तो हम इसको रोक नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? कहते हैं जब ये स्ट्रेस लंबे समय तक हमारी बॉडी पे रहता है, ये लंबे समय तक हम इस पे किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं, तो डायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी को कम करने लगता है। आपको देखा होगा जो लोग ज्यादा ही डिप्रेस रहते हैं या बहुत ज्यादा अपसेट रहते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी को एक इमरजेंसी सिचुएशन का सिग्नल मिल जाता है और बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे।
जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी की इम्यूनिटी डिक्रीज होने लगती है, बहुत सारे लोगों में बीपी और हार्ट की बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। आपने सुना होगा एक लाइन बहुत कॉमन बोली जाती है, गुस्सा मत करो बीपी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं ना, गुस्सा करते हैं, हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है, और जब वो हार्मोन बनता है तो हमारी जो नसें होती है वो थोड़ी पतली हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो बीपी और हार्ट रिलेटेड बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। लंबे समय तक किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो आगे चल के वो डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा लोग मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, और ऐसा होता है तो लोगों की एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है, वो हमेशा सुस्त महसूस करते हैं, एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। इसीलिए एक लाइन बोली जाती है, चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है। चिता मरने के बाद जलाती है, चिंता आपको जीते ही जला देती है। मतलब आप जितना स्ट्रेस लेंगे ना उतना ज्यादा बीमारियां हमारी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बात करें हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्ट्रेस में, आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आपकी मतलब एक थिंकिंग जो है ना वो क्लियर नहीं है, यू आर हैविंग एन अनक्लियर थिंकिंग, आप किसी चीज को लेकर अच्छे से सोच नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग में कुछ आइडियाज नहीं आ रहे हैं, जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा टाइम आप किसी चीज पे लगा रहे हो, आपको हमेशा हेडेक, सिर में दर्द रह रहा है, आप हर वक्त बहुत सारी चीजों को लेकर वरी कर रहे हो, चिंतित रह रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आपको मतलब आप काम अच्छे से अपना 100% किसी काम में नहीं लगा पा रहे हो, या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा स्ट्रेस रहता है तो बहुत ही वो बिंज ईटिंग करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खाने पीने का मन करता है, कुछ भी खाते हैं कुछ भी पीते हैं, और बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, चिड़चिड़ी गलतियां करते हैं, हमेशा थकावट महसूस करते हैं। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिससे आप कहीं ना कहीं पता कर सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं जो सामने वाला है या आप हो, आप स्ट्रेस्ड हो, किसी चीज को लेकर आपके अंदर तनाव चल रहा है। लेकिन बात करें होता क्या है, अब हम ना स्ट्रेस के ऊपर थोड़े हॉर्मोन्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ मैं टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूंगी, सिंपल भाषा का इस्तेमाल करूंगी ताकि सबको समझ में आए। तो आप बस दो चीजें इस स्लाइड पे याद रखिएगा, जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं, किसी चीज को लेकर टेंशन में रहते हैं, हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिजोल। बस ये आप नाम याद रखिएगा, कॉर्टिजोल। जब ये कॉर्टिजोल नाम का जब हार्मोन बनता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपकी इम्यूनिटी कम होती है, बॉडी बहुत ज्यादा एक इमरजेंसी सिचुएशन में चला जाता है। जैसे आप राइट हैंड साइड पे एक फोटो देख रहे होंगे, कॉर्टिजोल एलिवेटर, मतलब कॉर्टिजोल जैसे ही बढ़ता है हमारी बॉडी को उस टाइम पे अगर हम एक हार्मोन दे, हम हार्मोन अगर हमारी बॉडी में बने तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। आपने नीचे लिखा होगा, देखा होगा, लिखा होगा ओ आई एम कमिंग, मतलब जब कॉर्टिजोल बढ़ता है तो हमें ऑक्सीटोसिन की जरूरत होती है। अब ये दोनों हार्मोन क्या है, कॉर्टिजोल जो है उसको हम बैड हार्मोन कहते हैं, बैड हार्मोन कह सकते हैं, स्ट्रेस वाला हार्मोन कह सकते हैं, और जो ऑक्सीटोसिन होता है उसको हम फील गुड हार्मोन, अच्छा हार्मोन कहते हैं। अब आपको याद कैसे रहेगा कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन स्टार्ट होता है ओ से, ऑक्सीजन, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन के बिना हम रह नहीं सकते, तो ओ से स्टार्ट होता है ऑक्सीजन, ओ से स्टार्ट होता है ऑक्सीटोसिन। तो आपको याद रखना है ऑक्सीटोसिन जरूरी चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड हम शरीर से बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट होता है सी से, कॉर्टिजोल स्टार्ट होता है सी से, मतलब कॉर्टिजोल जो है वो बुरा हार्मोन है और जो ऑक्सीटोसिन है वो अच्छा हार्मोन है। और जब ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी में रिलीज होता है तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आपको खुशी महसूस होती है, आप अच्छा फील करते हैं। बात करें मार्केट में इसका क्या सलूशन है, मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन है, कहते हैं बहुत सारे ऐसे स्लीपिंग पिल्स दिए जाते हैं, ट्रांकुलाइजर, सेडेटिव्स, ऐसी बहुत सारी दवाइयां ऐसे पेशेंट को दी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सारी जो मेडिसिन है ना ये आपके कभी भी प्रॉब्लम को खत्म नहीं करती। प्रॉब्लम की खत्म करने की बात अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, कोई नल टूट गया है, उससे पानी निकल रहा है, आप उस नल को ठीक नहीं कर रहे हो, आप बस उस पर सेलो टेप लगाए जा रहे हो, तो वो थोड़ी देर तक तो पानी बंद रहेगा लेकिन थोड़ी देर के बाद पानी फिर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपने क्या किया, सिम्टम को दबा दिया, सिम्टम को सप्रेस कर दिया। मार्केट की मेडिसिन क्या करती है, आपके जो लक्षण है, सिम्टम्स है, उसको ही दबाने का काम करती है, सप्रेस करने का काम करती है। और क्या होता है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा 4-5 साल हो गए डिप्रेशन की दवाइयां चल रही हैं, ये सब दवाइयां जब आप लंबे समय तक खाते हैं आपके दिमाग, दिल पे असर पड़ता है, आपके लिवर को डैमेज करता है, आपकी किडनी को डैमेज करता है, इसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। और सबसे प्रॉब्लम वाली चीज क्या है, एडिक्टिव, आपको एडिक्टिव हो जाते हो आप इसके, मतलब आपको आदत लग जाती है। जब तक ऐसी मेडिसिन हम नहीं खाएंगे तो हमें आराम नहीं मिलेगा,
आपने देखा होगा लोगों को ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते हैं, उनकी आदत लग जाती है, अगर स्मोक नहीं किया तो बहुत सारी उनको सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ऐसे मेडिसिन के भी हमारी बॉडी को जब आदत लग जाती है तो आप इन मेडिसिन के बिना, दवाइयों के बिना हम नहीं रह पाते। बात करें अब हम किस तरीके से स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। दो तरीका है, पहली बात स्ट्रेस को कम कर दो जो शायद पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, अपनी स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को बढ़ा दो, जिसको हम STS कहते हैं। अगर हम STS को बढ़ा देंगे तो जो स्ट्रेस है हमारा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे मैं हमेशा की एग्जांपल इसमें लेती हूँ, आतंकवादियों को कम कर दो या तो सिक्योरिटी बढ़ा दो। आतंकवादी तो टेररिस्ट तो कम नहीं हो सकते, वो तो आते रहेंगे, हम अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। तो स्ट्रेस को कम करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां सिचुएशन आते हैं जहां पे हमारा जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं लगा रहता है। हम क्या कर सकते हैं, अपने जो STS है, स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति है, उसको हम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और अगर बात करें तभी हम स्ट्रेस से कोप अप कर पाएंगे, स्ट्रेस से लड़ पाएंगे। लेकिन बात करें, इसी में हमारी कंपनी ने सोचा कि क्यों ना, ये आपको पता है मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि मुझे लगता है ये हर एक इंसान को कहीं ना कहीं आज ये प्रोडक्ट की जरूरत है, क्योंकि आज बहुत ही स्ट्रेसफुल जिंदगी आज हम जी रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एलिमेंट्स वेलनेस लेकर आई है, जो आपको स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को बढ़ाती है। अब इसमें है क्या, इसमें ऐसा है क्या जो इसको खास बनाता है। सबसे पहले हमने इसमें 4 हर्ब्स डाले हैं, 4 जड़ी बूटियां डाली हैं, अश्वगंधा, तुलसी, गुड़ुची एंड पीपली। अश्वगंधा की अगर बात करें तो ये आपके STS को बढ़ाने में मदद करता है। आपका जो बैड हार्मोन मैंने बताया था कॉर्टिसोल, उसको कम करने में, और वो भी 5-10% नहीं 30% तक कम करने में मदद करता है, ये बहुत बड़ी बात है। आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी उस पर भी एक अच्छा इम्पैक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया जो हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा शुगर लेवल बढ़ता है। मैंने डायबिटीज वाले डाइबोलाइफ में भी मैंने ये चीज बताई, जो हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा शुगर लेवल बढ़ता है, तो अश्वगंधा उस पर भी एक अच्छा रिजल्ट देता है। और जब आपका दिमाग शांत रहेगा, कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाएगा, बैड हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, तो आपका परफॉर्मेंस लेवल जो होता है, काम करने की जो क्षमता होती है वो और अच्छी बढ़ जाती है। तुलसी जो है ये भी आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को बढ़ाता है, बिना आपको नींद लाए या बिना आपका इसका कोई साइड इफेक्ट किए। आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ाता है, तुलसी तो हजारों सालों से लोग खा रहे हैं। और अगर बात करें दिमाग को भी मजबूत करता है और इन्फेक्शन से भी लड़ने में मदद करता है। तीसरी जो चीज हमने इसमें डाली है वो है गुड़ुची। गुड़ुची को गिलोय भी कहते हैं, आपने बहुत जगह गिलोय सुना होगा। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, आपकी जो बॉडी है और माइंड है दोनों को मजबूत करता है, और आपके दिल को हेल्दी करता है, और दिल अच्छे से काम करे, हेल्दी रहे, उसमें मदद करता है। और लास्ट में जो ये इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम पीपली कहते हैं, पीपली के ऊपर मैं आपको बताने से पहले मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊंगी। हमने अभी 2 दिन पहले हमने आयुष स्वास्थ्य में एक चीज पढ़ी थी कि आयुष स्वास्थ्य में त्रिकटू नाम की चीज डाली गई है। त्रिकटू में 3 चीजें थी अगर आपको याद होगा। पहला था हमारा उसमें ड्राइड जिंजर, जिसको हम सुंठी या सौंफ भी कहते हैं। दूसरा हमारा था उसमें काली मिर्च, जिसको हम मरीचा भी कहते हैं। और तीसरा था हमारा पीपली। तो मैंने उसमें बताया था कि जो त्रिकटू है वो आपकी और जो जड़ी बूटियां उस प्रोडक्ट में डाली है उसकी बायो एबिलिटी को बढ़ा देता है। वही उसी त्रिकटू का पीपली हमने इस प्रोडक्ट में डाला है। पीपली क्या करता है, आपकी पाचन शक्ति को तो बढ़ाता ही है, प्लस जो हमने इसमें अश्वगंधा, तुलसी एंड गुड़ुची, ये 3 चीजें जो हमने इसमें डाली हैं, इन तीनों जड़ी बूटियों की बायो एबिलिटी, मतलब उसकी जो क्षमता है बॉडी में यूज करने की जो क्षमता है, योगवाही जैसा काम करता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। अब बात करें कि ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में कोई स्ट्रेस के ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कोई नहीं है। बात करें हमारी कंपनी जो है, ऐसा कोई भी फॉर्मुलेशन मार्केट में अभी तक नहीं है, नो सिमिलर फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेस मार्केट में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों, मार्केट में जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट स्ट्रेस पे काम करते हैं दे कंटेन अ सिंगल इंग्रेडिएंट, उनमें बस एक ही जड़ी बूटी होती है जिसको हम कहते हैं अश्वगंधा। लेकिन जैसा आपको पता है हमारी कंपनी हर एक प्रोडक्ट में कुछ ट्विस्ट लेकर आती है जो मार्केट के प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है। हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने तुलसी, गुड़ुची एंड पीपली, ये 3 ऐसे हर्ब्स हमने इस प्रोडक्ट में अपने डाले हैं जो क्या करता है, आपकी कॉर्टिसोल बैड हार्मोन को तो कम करता ही है, आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को भी बढ़ाने में मदद करता है और आपके माइंड को रिलैक्स करता है। बात करें किसको देना है,
जो भी 18 साल के ऊपर के लोग हैं ना, स्पेशली अगर कोई 18, 19, 20 साल का कोई बच्चा भी है, एग्जाम का टाइम है, प्रेशर है, बच्चों को भी दे सकते हो। उनका दिमाग रिलैक्स होगा, पढ़ने में मन लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप उनको भी दे सकते हैं। खाने की बाहर की ज्यादा आदत है, वो भी ले सकते हैं। आपको रात में नींद नहीं आ रही, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा है जिसको स्ट्रेस की वजह से रात में नींद नहीं आ रही, तो आप फाइट स्ट्रेस को रेम निद्रा, हमारा एक नया प्रोडक्ट है रेम निद्रा, जो इस पे काम करता है जिनको नींद नहीं आती, तो आप ये दोनों प्रोडक्ट को कॉम्बिनेशन में अपने इस प्रोडक्ट के साथ मिलाकर दे सकते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, काम कर रहे हैं 100% नहीं दे पा रहे, दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, उनको भी दे सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो थके महसूस करते हैं, हमेशा एनर्जेटिक नहीं फील करते हैं, आप उनको भी ये प्रोडक्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज के ऊपर हम बात करेंगे, इस पर प्लीज ध्यान से समझिएगा। कुछ लोगों को लगता है कि ये जो प्रोडक्ट लिया ना फाइट स्ट्रेस, ये तो एक जादू की छड़ी है, इसको लिया और स्ट्रेस कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर आपको अपने स्ट्रेस से दूर रखना है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा माय फ्रेंड, आप कितने भी हेल्दी है, फिजिकली भी आप बहुत हेल्दी है, आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटल हेल्थ के ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपने सुना होगा बहुत सारे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, स्ट्रेस झेल नहीं पा रहे। या अगर बात करें, आपने देखा होगा जेल में जितने भी लोग हैं ना, वो 1-2 मिनट के गुस्से की वजह से या जेल में है, हर एक चीज कहीं ना कहीं स्ट्रेस से कनेक्टेड है। तो अगर आपको स्ट्रेसफुल जिंदगी चाहिए, तो आपको एक फॉर्मूला अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्या है, जिसको हम डेला कहते हैं। ये आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको इंटरनेट पर मिलेगी, ये एक चीज जो है, जो हमारे के राजे सर की क्रिएटिविटी की वजह से ये आपको डेला हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो ये डेला क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डी का मतलब होता है डाइट एंड न्यूट्रिशन। आपको एक अच्छा खान पान लेना पड़ेगा, अपने खाने में अच्छे फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, वेजिटेबल्स अच्छे से खाने पड़ेंगे। थोड़ा अच्छा खाना जब हम लेते हैं, तो हमारे दिमाग पे भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। दूसरा जो है हमारा, वो है एक्सरसाइज। ई से होता है एक्सरसाइज। आपको अपनी लाइफ में थोड़ा योगा और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, या आप थोड़ा वॉकिंग अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। योगा और जो मेडिटेशन प्राणायाम वगैरह होता है, ये आपके दिमाग को रिलैक्स करता है, आपके दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करता है। एल से अगर हम बात करें, हमारी लाइफस्टाइल में हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। काम सब करते हैं, लेकिन काम के साथ एक पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको वो चीज करनी पड़ेगी जिसको आपको लेकर अच्छा महसूस होता है। आपको अपनी हॉबी को फॉलो करिए, आपको कोई चीज जो पसंद आती है, आप उसको अपनी लाइफ में कर सकते हैं। ट्रस्ट में माय डियर फ्रेंड, ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत चीजें लाइफ में ऐड कर देती है, तो ये सब चीजों को हमें फॉलो करना। और फोर्थ, अगर इसके साथ हमें एक बहुत अच्छी चीज, मतलब कोई ऐसा आयुर्वेदिक सोल्यूशन जैसा एलिमेंट्स वेलनेस फाइट स्ट्रेस है, अगर हम इसको भी अपनी लाइफ में हम ऐड कर देंगे, तो अच्छे हमें रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल सी एक बात है, पुराने जमाने के जो लोग हैं वो यही तो करते थे, योगा करते थे, एक्सरसाइज करते थे, अच्छा खान पान रखते थे, अच्छा बैलेंस रखते थे लाइफ में, और आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करते थे, और उनकी उम्र बहुत अच्छी होती थी, वो दिमाग से बहुत रिलैक्स होते थे और बहुत ही काम माइंड के होते थे। इसीलिए अगर बात करें इस डेला फॉर्मूला को अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में लाएंगे, तो डेफिनेटली हम स्ट्रेस को तो दूर नहीं कर सकते, बट ये स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को हम जरूर बढ़ा सकते हैं, और स्ट्रेस से लड़ने की जो क्षमता है उसको हम जरूर बढ़ा सकते हैं। अब एक बात करूंगी, किसको नहीं देना है। अगर कोई एकदम ही सीवियर डिप्रेशन में जा चुका है, और अगर किसी को बायपोलर डिसऑर्डर है, बायपोलर में क्या होता है, इंसान अभी बहुत ज्यादा खुश है, कुछ 2 घंटे के बाद उसको बहुत रोना आ रहा है, मतलब एक अभी, मतलब उनकी एक बायपोलर पर्सनालिटी हो जाती है, एकदम मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी आप कह सकते हैं, अभी खुश है, कुछ देर के बाद वो रोने लग रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जा रहा है, उस केस में नहीं देना है। स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को ये प्रोडक्ट बढ़ाता है, बट स्ट्रेस की वजह से अगर कोई बीमारी हुई है, उस केस में हमें नहीं जाना है। और इस प्रोडक्ट जो है हमारा, इसकी एक बहुत अच्छी एक लाइन हम बोलते हैं, चिंता है मगर रहो बेफिक्र। आप स्ट्रेस को हमें कम करना है और अच्छी जिंदगी की तरफ अगर हमें जाना है, याद रखिएगा सफलता भी हमें तब मिलती है जब हमारा दिमाग किसी चीज को लेकर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अब मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो कहीं ना कहीं आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं हमेशा बात करती हूँ एक 10 एडवांटेजेस के ऊपर, लेकिन आज मैं उसमें से 3 इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो हमारे फाइट स्ट्रेस के लिए आपको जानना जरूरी है, तो 3 एडवांटेजेस को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है, हमारे जो भी एलिमेंट्स वेलनेस के आयुर्वेदिक रेंज के जो भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, जो कैप्सूल्स में है, हमने सारे कैप्सूल्स में वेजिटेरियन कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया। आपको गोल्डन वेजिटेरियन कैप्सूल्स इसमें दिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, मार्केट की जो भी कंपनी होती है वो सारे नॉनवेज के कैप्सूल्स लेकर आती है। नॉनवेज के कैप्सूल्स ना थोड़े से सस्ते होते हैं। अगर बात करें हमारा जो प्रोडक्ट है, नॉनवेज कैप्सूल्स जो होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं।
आप अगर बात करें वेजिटेरियन जो कैप्सूल्स होते हैं, वेजिटेरियन कैप्सूल्स की अगर हम बात करें तो वेजिटेरियन कैप्सूल्स 6 गुना ज्यादा महंगे होते हैं। इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट चीज पे बात करेंगे, वो क्या है कि एक अगर हम बात करें वेजिटेरियन कैप्सूल्स की, तो हमारे जो वेजिटेरियन कैप्सूल्स है वो 6 गुना ज्यादा महंगे होते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज पे ध्यान से समझिएगा, हमारी कंपनी चाहती तो टैबलेट भी लेकर आती, बट हमने टैबलेट क्यों नहीं लेकर आए, इसके पीछे का भी एक कॉन्सेप्ट है। हमने अपने सारे वेजिटेरियन कैप्सूल्स का ही इस्तेमाल किया है। टैबलेट जो होता है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 10% होता है और कैप्सूल्स में बस 5% होता है। अगर जैसे एग्जाम्पल इसको समझिए, एक गीला कपड़ा है, सूखा कपड़ा है, कुछ दिनों के बाद गीले कपड़े में कीटाणु लग जाएंगे, सूखे कपड़े में कुछ नहीं होगा। क्यों? जिस चीज में नमी ज्यादा है उसके खराब होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो अगर बात करें हम टैबलेट्स की, तो टैबलेट में नमी थोड़ी ज्यादा है, कैप्सूल्स में कम होती है, इसीलिए हमारी कंपनी ने इसमें वेजिटेरियन कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया है। टैबलेट की अगर बात करें तो बनाना थोड़ा मुश्किल है, कैप्सूल बनाना इज वेरी सिंपल। कवर लिया, कैप्सूल कवर खोला, पाउडर डाला, योर कैप्सूल इज रेडी। टैबलेट का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, उसका स्वाद थोड़ा सा, क्योंकि उसपे जो आपके टंग पे वो चीज जाती है तो आपको कड़वा महसूस होने लगता है, लेकिन कैप्सूल्स का कोई स्वाद ही नहीं है, कैप्सूल्स का कोई टेस्ट नहीं होता है। और टैबलेट हमारी बॉडी में जाने के बाद 45 मिनट्स का टाइम लेता है, कैप्सूल झटपट 15 मिनट में अपना काम कर देता है। कंपनी चाहती तो उसपे नॉनवेज कैप्सूल भी बना सकती थी, नॉनवेज कैप्सूल्स क्यों नहीं बनाया? नॉनवेज कैप्सूल्स में जो नमी है वो 13 से 15% है, वेज कैप्सूल्स में ये 5% है। नॉनवेज कैप्सूल में बैक्टीरिया की कोई गारंटी नहीं है, और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो नॉनवेज कैप्सूल्स के जो साइज होता है वो डिफॉर्म होने का चांसेस, साइज बदलने का चांसेस भी होता है, जो वेज कैप्सूल्स में नहीं है। इसीलिए हमारी कंपनी ने अपनी क्वालिटी से कोई बार्गेनिंग नहीं किया है, इसीलिए हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं सारे वेजिटेरियन कैप्सूल्स का ही हमने इस्तेमाल किया है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, हमारी कंपनी के हर एक चीज पे, छोटी से छोटी चीज पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। बात करें हमारा जो दूसरा एडवांटेज क्या है, हमने हर एक प्रोडक्ट में नोवेल कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट्स डाले। जैसे एलिमेंट्स वेलनेस के 5 स्ट्रेस में मार्केट में कंपनी अगर स्ट्रेस पे बात करे, बस अश्वगंधा डालते हैं। हमने अश्वगंधा, तुलसी, गुड़, चीपी, 4 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन डाला है। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज वो क्या है जिसको हम सबको पता है, हमारी कंपनी इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसको आयुष का प्रीमियम मार्क का सर्टिफिकेशन मिला है। आयुष के ऊपर आप मार्क के ऊपर देख रहे होंगे क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट, जिसपे आप भरोसा कर सकते हैं। आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, थेरेपी, होम्योपैथ। इन 5 डिपार्टमेंट को मिला के आयुष का डिपार्टमेंट बनाया जाता है। याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट चीज, आयुष में भी 2 तरीके के सर्टिफिकेशन होते हैं। पहला सर्टिफिकेशन होता है आयुष का स्टैंडर्ड, दूसरा होता है आयुष का प्रीमियम। स्टैंडर्ड है, इंडिया में कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट प्रीमियम सर्टिफाइड है, जो आज अगर बात करें बहुत सारी कंपनीज आज इसको लेने के लिए मार्केट में अटेम्प्ट कर रही है, ये सर्टिफिकेशन मिलना आसान नहीं होता, तो आप इस प्रोडक्ट को, जो हमारा आयुष प्रीमियम प्रोडक्ट है, उसको आप इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रमोट कर सकते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी है। और लास्ट में एक न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिखाना चाहूंगी, ये न्यूज़पेपर की कटिंग क्या कहती है, बाय आयुर्वेदिक ड्रग्स विद आयुष्मा। और ये कल परसों की न्यूज नहीं है, ये 2013 की न्यूज है। 2013 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, जब भी कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदो हमेशा ध्यान दो कि उसपे आयुष का सर्टिफिकेशन है या नहीं। माय डियर फ्रेंड, नारायण सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि जरूरी नहीं हर नेचुरल चीज सेफ हो, कोबरा का जहर भी नेचुरल है लेकिन हम उसको दिन रात नहीं ले सकते, तो हर एक नेचुरल चीज भी सेफ नहीं होती है, और जिसपे आयुष का मार्क है उस क्वालिटी को आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उस पर भरोसा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें, ताकि जब भी कोई कंपनी, हमारी कंपनी कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग करे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लास्ट में हमेशा 3 तरीके के कस्टमर मिलेंगे, पहला ऐसे कस्टमर जो अच्छे है, कोई बीमारी नहीं है, दूसरा जो आपको कोई बीमारी हो चुकी है या होने वाली है या सिम्टम्स दिख रहे, कमजोरी दिख रही है, हड्डियों में पेन हो रहा है, कुछ भी ऐसा सिम्टम दिख रहा है, और तीसरा क्रिटिकल, बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, कैंसर 4 स्टेज पे जा चुके हैं। हमारा मार्केट ANP है, प्लीज सी को ज्यादा टारगेट नहीं करना है, हमारा मार्केट सी नहीं है, लेकिन हमारे मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर सी को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि इज्जत हमें उधर ही मिलती है ना। तो इसीलिए अगर बात करें, प्लीज हमारा जो मार्केट है वो आपका ए और बी का है, हम वेलनेस की तरफ जाना है, इलनेस की तरफ, बीमारियों की तरफ नहीं जाना है, वेलनेस की तरफ हमें काम करना है।
और लास्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे ई कॉमर्स साइट पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसे साइट्स पे अगर आपको कोई सस्ते रेट में दे रहा है तो प्लीज ये प्रोडक्ट्स आपको वहां से बाय नहीं करना है, क्योंकि कंपनी इसकी गारंटी नहीं लेती है। ये एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, फेक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जिनको भी, जिन्होंने भी आपको इस प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, आप उनसे कन्फर्म करिए, वो आपको बताएंगे कि कहाँ से आपको प्रोडक्ट लेना है, वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आज की ट्रेनिंग हम यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे।